हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आज हम लोग के साथ आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ मेरे विलेज का, माई विलेज का कुछ यहाँ का फेमस जगह, जो माई विलेज जाना ही है, जाने का कुछ फेमस जगह जो मैं छोटा के टाइम में बहुत सारे यहाँ पे आना जाना करता था और मस्ती करता था, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलते पहले जाऊँगा मैं बद्री माता मंदिर, जो यहाँ का एक काली टेम्पल है और जो फेमस है। मंदिर बहुत फेमस है और ये हर साल यहाँ पे जो पूजा होता है सब लोग गांव का यहाँ पे आता है। ये जागृत काली मंदिर है। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे बलि होता है जब पूजा होता है, पूजा के टाइम में। और यहाँ पे होम लगा कर के होम होता है। और यहाँ पे इसी का ही मंदिर का एक बड़ा सा इसका पॉन्ड है, जिसमें ये भी जागृत माना जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ विसर्जन भी होता है। और यहाँ पे बड़ा बड़ा पेड़ भी है, यहाँ पे खिचड़ी भी खिलाता है जो। और यहाँ पे इतना बड़ा जगह में सब लोग नॉर्मल टाइम में आता है, आ के फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है माँ के पास। छोटे टाइम में मैं जब छोटा था उस टाइम में मैं बहुत आता था यहाँ पे दोस्तों के साथ, और हर जो पूजा के टाइम में यहाँ पे जाके आके बहुत ही मस्ती करते थे दोस्त लोगों के साथ। खिचड़ी, फीका खिचड़ी मिलता था वो खाते थे और बहुत ही टेस्टी होता है। तो यही है, इनका नाम है, यहाँ का नाम है बद्री माता मंदिर। और ये बहुत पुराना है, आई थिंक 100 साल के ऊपर पुराना होगा। अपना डोनेट भी करते हैं, जो जो डोनेट करते हैं यहाँ पे उसका नाम खुदाई जाता है। यहाँ पे साइड में गेस्ट हाउस है इलाका, यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे जो मेंटेनेंस करते हैं वो लोग रहते हैं यहाँ पे। ये डेली यहाँ पे 12 से लेकर 2 बजे तक यहाँ पे भोग वितरण होता है। बद्री माता मंदिर काली टेंपल दर्शन कर लिया है, अभी जाएंगे यहाँ पे चौधरी बाड़ी, जहाँ पे जो होली जो होता था, होली के टाइम में बहुत सारा मस्ती यहाँ पे होता था। यहाँ पे हर होली में यहाँ पे रंग खेला जाता है, अबीर खेला जाता है। और ये एक राजबाड़ी है, तो राजा लोग रहता है मंत्री। तो चलिए आपको वहाँ पर मैं दिखाता हूँ, वहाँ पर भी मैं छोटे के टाइम में बहुत सारा मस्ती करता था। ये एक मेरा शहर का घर है, जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, पढ़ने के लिए आता था छोटा के टाइम में। और मैं अभी जा रहा हूँ चौधरी बाड़ी, जो बहुत ही फेमस है होली के लिए। और यहाँ पे मेला भी बैठता है होली के टाइम में, पूरा फुल टू से यहाँ पे मज़ा होता है। यहाँ पे नाच गाना बहुत कुछ, जलेबी बिकना, पूरा मेला, पूरा बड़ा सा मेला लगा जाता है। तो यहाँ पे पूजा होता है, पीछे उसका घर है, ये सब राजा लोग रहता था पहले। तो यहाँ पे राधा माधव का मंदिर है, जो इसका पीछे ही है। तो मैंने निकल जा रहा था, यहाँ का जो है बुजुर्ग, वो लोग बोला कि पीछे आप मंदिर भी दर्शन करके आइए, तो यहाँ से जाना पड़ता है। है अच्छा, यहाँ पे बोला कि दरवाज़ा अगर बंद रहेगा तो आप खोल दीजिएगा, बोला ठीक है, थैंक यू। और तो ये मंदिर का है, मंदिर अभी बंद है, यहाँ पे राधा माधव रहता है, ये बंद ही है, चाबी दिया हुआ है, देख नहीं पाएंगे।
अभी यहाँ पे मैं घूमने के बाद, मैं जहाँ पे छोटा टक्के टाइम में मैं एक बारा क्लब था, बाक्सा क्लब नाम है उसका, तो वहाँ पे मैं खेलता था, खेलने के लिए जाता था फुटबॉल। वहाँ पे कोचिंग होता था, वहाँ पे जाता था। तो मैं भी वहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है। ये जगह का नाम है बाक्सा और ये इसका दीघी है, छोटा सा पुकुर है इस चौधरी बाड़ी का। यहाँ पे विसर्जन होता है दुर्गा प्रतिमा और यहाँ पे पूरा मेला बैठता है, बहुत ही भीड़ होता है यहाँ पे। तो ये मेरा ग्राउंड है जहाँ पे मैं छोटे जब था, 10 9 10 में जब पढ़ता था यहाँ पे खेलता था। आपको दिख रहा है कितना बड़ा है प्लेग्राउंड, क्लब है इसका बक्सा ग्राउंड क्लब। ये कालियाबू का घर है जो एक राजबाड़ी है, यहाँ पे राजा जमींदार थे जनाई का, अभी कोई आता भी नहीं है और ये खंडर होकर पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसके साथ शिव मंदिर था, अभी यहाँ पे जो ठाकुर प्रतिमा है वो बना रहा है, अभी कुछ दिन बाद ही दुर्गा पूजा है तो इसी के लिए यहाँ पे सब बन रहा है। चनाई का जो भी मूर्ति है वो वहीं पे बनता है, आप देख सकते हैं कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी है, बहुत सारा है। मैं दिखाऊंगा यहाँ से मैं मेरा स्कूल जाऊंगा, मेरा जो जाना है, मैं जो स्कूल में पढ़ा था आपको 10 10 प्लस, तो उसका नाम है जोनाई ट्रेनिंग हाई स्कूल। उस स्कूल में मैं भी पढ़ा था, मेरा बहन भी पढ़ा हुआ है और मेरा बहन का भी स्कूल दिखाएंगे यहाँ पे। गोइंका गर्ल्स हाई स्कूल जो है, वॉन्डीफॉल गर्ल्स हाई स्कूल है, तो वही मैं दिखाऊँगा आपको सर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जनाई बाज़ार की तरफ। ये जनाई बाज़ार का रास्ता है जो यहाँ का मेन मार्केट है, उसको बोलते हैं जनाई बाज़ार। और वहाँ पे भी एक माँ काली का मंदिर है, तो यहाँ पे मनोहरा बहुत विख्यात और मिठाई वाला, यहाँ पे मिठाई बनता है मनोहरा अच्छा। तो ये मार्केट है और ये पीछे की तरफ काली मंदिर दिख रहा है। और ये आ रहा है मेरा बहन का स्कूल, जनाई गोइंका गर्ल्स हाई स्कूल, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला स्कूल है जनाई। अभी मैं मेरा स्कूल जो है स्कूल की तरफ जा रहा हूँ और अभी मैं शाम के टाइम में निकला हूँ, इसीलिए कुछ भी खुला नहीं रहेगा। मैं आपको जस्ट बाहर से दिखाता हूँ, ये मेरा स्कूल है, यहाँ पे ये गेट है, दिस इज़ कॉल्ड जनाई गर्ल्स जनाई हाई स्कूल। और इसके साइड से पीछे एक बड़ा सा ग्राउंड है, ये ग्राउंड की तरफ रोड है जिसमें ये पूरा जो स्कूल है, स्कूल से सब बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आता था। मैं भी यहाँ पे बहुत खेला हूँ इस ग्राउंड में, हाँ, जो स्कूल का टिफ़िन होता था, टिफ़िन के टाइम में आता था या स्कूल बंक करके चला जाता था। तो ये बहुत ही मस्त स्कूल एक जगह था, ग्राउंड में बहुत ही मस्ती करते थे, मतलब इतना मस्ती, सब दोस्तों लोग के शाम को आके यहाँ पे बैठना, स्कूल बंक करके यहाँ पे आके अड्डा मारना, वहाँ पे झाड़ी में जाके बैठना, यहाँ पे क्रिकेट खेलना। इसमें इस ग्राउंड में बहुत सारा मेरा सिटी यहाँ पे है और अच्छा लगता है अभी जब आता हूँ, लेकिन अभी उस तरह का माहौल है नहीं, उस तरह के ग्राउंड का सिचुएशन है नहीं, पूरा भरा है। और ये मेरे पीछे बांग्ला स्कूल है, ये एक बंगाली मीडियम स्कूल है जिसमें उस जोनाई ट्रेनिंग हाई स्कूल जो है उससे थोड़ा लोअर क्लास में है। हम लोग का पहले कहा जाता था कि भाई जो भी वहाँ पे फेल करता था फाइव में, फोर्थ से जाके फाइव में जब उठता था उस टाइम अगर कोई फेल करता था तो उसको स्कूल में पढ़ना पड़ता था, तो इसीलिए ये बांग्ला स्कूल का नाम भी जाना जाता है। तो ये पंचवटी मंदिर है, अभी बंद है, ये काली माता का मंदिर है। यहाँ पे 1st जनवरी 2nd जनवरी 3rd जनवरी को बहुत ही बड़ा पूजा होता है
और पूरा मेला लगता है। ये जो पीछे ग्राउंड दिखा है, फिर मैं पंचमुखी होंगे, अभी यहाँ से मैं जाऊँगा, मेरा जो जनाई स्टेशन है, जनाई रोड स्टेशन बोलते हैं, उस तरफ जाएंगे, तो उस तरफ देखते हैं कैसा है। अभी बहुत दिन पहले आया था, अभी देखते हैं कैसा हाल है उस रोड का, उस क्या कंडीशन है। मैं सुना है रोड का हालत बहुत ख़राब है, रोड का हालत बहुत ही ख़राब है। मेरा ज़माने में इतना ख़राब नहीं था, अभी इतना ख़राब हो गया। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, इतना लंबा रास्ता ऐसा है, ओ शिट, लग रहा है कि यहाँ पे घुस के मैं फंस गया। अरे तो ये जनाई स्टेशन बाजार है, ये जनाई रोड काउंटर है, यहाँ पे सब ऑटो खड़ा रहता है, ऑटो रिक्शा ये पूरा के पूरा यहाँ पे यहाँ से जाता है, सब लोग यहाँ पे उतरता है उतर के जाता है। और ये पूरा के पूरा मार्केट है, बहुत ही भीड़ होता है। अभी आज अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो ये जनाई रोड स्टेशन है। उस तरफ इस तरफ आप है, तो ये वर्धमान की तरफ जा रहा है, और दोनों की तरफ ये छोटा था, अभी एक्सटेंड किया गया है, यहाँ पे मेल थ्रू पास हो रहा है, और उस तरफ जो है वो डाउन है, हावड़ा जाता है उस तरफ, उस तरफ से ट्रेन आ रहा है। कितना मैं यहाँ पे डेली पैसेंजर करता था, बहुत डेली पैसेंजर करता था। निकलता था रात को करीब 11 बजे घर आता था। तो यही वो स्टेशन है जिससे मेरा बहुत यादें जुड़ी हुई है, और इस स्टेशन में मैं भाग भाग के दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़ता था। ये अच्छा मार्केट है, सब फ्रेश सब्जी मिलता है यहाँ पे, पूरा के पूरा सब गांव से आता है, आके यहाँ पे बैठ जाता है। ये है गौतम दा, जाना पहचाना था है नॉट था, जब यहाँ पे स्कूल में पढ़ता था तब से ये जाना पहचाना है, यहाँ पे आके अड्डा मारता था। तो ये इसका शॉप है, स्टेशन ही शॉप है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे रात को ट्रेन से उतर के इसका दुकान खुला रहता था मेरे लिए, रात को आते यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेके थोड़ा गप सप पार के फिर घर जाता था। तो फ्रेंड्स, मैं मेरा मेमोरी जो है यहाँ पे पुराना जो स्थिति है मैं उसको शेयर किया है, और यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश किया है, यहाँ पे गांव है जो है, ये विलेज बहुत ही छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे जो जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश किया, जो मोटा मोटी थोड़ा फेमस है, मतलब यहाँ के हिसाब से फेमस है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं, घूमते हैं, ऐसे देखता है, इधर उधर करता है, चला जाता है, तो ये अच्छा लगता है सब लोग को। यहाँ पे जो मिठाई है जो मनोहरा बोलते हैं वो बहुत ही फेमस है यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कल भी जा रहा हूँ एक जगह, जो मेरा मौसी की घर, वहाँ पर जाके मैं आपको दिखाऊँगा जो लोग कैसा है वहाँ पर, गाँव कैसा है वहाँ का, माहौल कैसा है वहाँ पे, एरिया कैसा है, सब कुछ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जितना हो सके मैं दिखाऊँगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।